Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 35 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.7 इंट्रोडक्शन टू इनफिनिट सीरीज को स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस सेक्शन में आप सीक्वेंस को स्टडी कर चुके हैं। इन दिस सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस एन इनफिनिट सीरीज। इस सेक्शन में हम इनफिनिट सीरीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। दिस इज अ टॉपिक दैट विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन चैप्टर नंबर 9। इस टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से स्टडी करेंगे, बट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस वी विल establish a few results here। लेकिन इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की वजह से हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट को पढ़ेंगे। इन एलिमेंट्री टेक्स एन इनफिनाइट सीरीज इज समटाइम्स डिफाइंड टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x1 + x2 + x3 + xn + xn। एलिमेंट्री टेक्स में बाजुका हम इनफिनाइट सीरीज को इस फॉर्म से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म कौन सी है, x1 + x2 + x3 + xn + xn। एलिमेंट्री टेक्स में आप इन एलिमेंट्री टेक्स एलिमेंट्री टेक्स्ट में हम बाजुकात इनफिनाइट सीरीज को इस फॉर्म से डिफाइन करते हैं। इनफिनाइट सीरीज बट दिस डेफिनेशन हैव नो क्लैरिटी। ठीक है, बट दिस डेफिनेशन हैव नो क्लैरिटी या लैक्स क्लैरिटी। इसके रीजन क्या है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्लैरिटी क्यों नहीं रखती? यहाँ पर कोई ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है जिससे हम इनफिनाइट सम को डिफाइन कर सकें या डिनोट कर सकें। ठीक है, यानी देयर इज नो पार्टिकुलर वैल्यू पार्टिकुलर वैल्यू बाय विच वी डिफाइन इनफिनाइट सम। ठीक है, यानी इस इनफिनाइट सम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। इसी रीजन की वजह से ये डेफिनेशन क्लैरिटी नहीं रखती या लैक्स क्लैरिटी। यहां पर भी वो यही बता रहे हैं कि दिस डेफिनेशन लैक्स क्लैरिटी बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर वैल्यू दैट वी कैन अटैच टू दिस अरे ऑफ सिंबल्स विच कॉल्स फॉर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, If x is a sequence in R, then infinite series are simply series generated by x is the sequence defined by। ठीक है, यहां पर वो कह रहा है कि x हमारे पास एक सीक्वेंस है। आपने ये याद रखना है कि जो भी आप सीरीज जनरेट करेंगे हमेशा सीक्वेंस से ही जनरेट करेंगे। ठीक है, generated by sequence, सीरीज हमेशा सीक्वेंस से ही जनरेट होती है। इसलिए हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस सेक्शन में पहले सीक्वेंस को स्टडी किया, अब हम इस सेक्शन में सीरीज को जनरेट स्टडी कर।
सीरीज जो होगी वो हमेशा सीक्वेंस से ही जनरेट होगी। तो अगर एक्स हमारे पास कोई सीक्वेंस है देन सीरीज इज जनरेटेड बाय एक्स इज डिफाइंड टू बी एस विच इज इक्वल टू स्मॉल एस के, ठीक है। इसे भी हम एज अ सीक्वेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं, एज अ सीक्वेंस के तौर पर ट्रीट करते हैं। यानी एक्स हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो इससे जो भी आप सीरीज जनरेट करेंगे उसे आप कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू स्मॉल एस के, वेयर स्मॉल एस के ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये एस के माइनस वन प्लस एक्स के इक्वल। जो स्मॉल एस की है ये किसके इक्वल है, एस के माइनस वन प्लस स्मॉल एस के माइनस वन प्लस एक्स के, ये एस इक्वल है, ठीक है। यानी जो एस वन अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं वो हमारे पास होते हैं एक्स वन के इक्वल होते हैं, अगर आप एस टू डिफाइन करते हैं वो इक्वल होता है स्मॉल एस वन प्लस एक्स टू, या इसे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स वन प्लस एक्स टू। इसी तरह आप एस थ्री डिफाइन करते हैं ये हमारे पास होता है एस टू प्लस एक्स थ्री, या इसे आप लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। ये जो एक्स एन होता है एक्स एन, ये स्टूडेंट्स टर्म्स ऑफ सीरीज, टर्म्स ऑफ सीरीज ये आप देख सकते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये टर्म्स ऑफ सीरीज हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स यहां पर एस के है ये पार्शियल सम को डिनोट करते हैं, पार्शियल सम को आप देख सकते हैं यहां पर जो एस थ्री है स्टूडेंट्स ये पार्शियल सम किसका है, एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स थ्री का। जब आप x1, x2, x3 को ऐड करते हैं तो यहां से हमारे पास स्मॉल s3 जनरेट होती है। यानी आप देखें स्टूडेंट्स जो हमारे पास है सीरीज है इसे आप कैपिटल S से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होती है स्टूडेंट्स स्मॉल s k के। तो अगर आप यहां पर जो k है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस सीरीज की टर्म्स बनाना चाहें तो ये बनेगी स्मॉल एस वन स्मॉल एस टू स्मॉल एस थ्री स्मॉल एस फोर अप टू सो ऑन, ये इस सीरीज की टर्म बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये स्मॉल एस वन है ये एक्स वन के इक्वल होता है, यानी ये जो आप पहले आप क्या करेंगे कोई सीक्वेंस डिफाइन करेंगे सीक्वेंस, इससे ही आप क्या जनरेट करेंगे सीरीज जनरेट करेंगे, ठीक है, जनरेट सीरीज। जो भी आप सीरीज जनरेट करेंगे वो हमेशा सीक्वेंस से ही जनरेट होती है, तो डिफरेंट सीक्वेंस से डिफरेंट सीरीज जनरेट होती है, इसके बारे में भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो बेसिक है हम इस डेफिनेशन को समझें, ठीक है। तो यहां पर जो एस थ्री है ये इक्वल होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री के, इस तरह अप टू सोन जो स्मॉल एस के होगा ये इक्वल होगा स्मॉल एस के माइनस वन प्लस एक्स के, ये इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास इसकी सीरीज की। इफ एक्स इज अ सीक्वेंस इन आर देन द इनफिनाइट सीरीज आर सिंपली सीरीज जनरेटेड बाय एक्स इज द सीक्वेंस एस डिफाइंड बाय, यहाँ पर जो S1 है वो X1 के इक्वल होते हैं, इसी तरह S2 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होते हैं S1 प्लस X2 के, इसे आप लिख सकते हैं X1 प्लस X2 के। इस तरह यहाँ पर SK किसके इक्वल होगा SK माइनस वन प्लस एक्स के विच इज इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस अप टू सॉन एक्स के, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी सीरीज, ये आप डेफिनेशन भी हल करेंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स।
the number xn are called the terms of the series and the number sk are called the partial sum of the series. ये भी अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. जो एक्स एन है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे टर्म्स ऑफ द सीरीज, और एस के क्या होगा, ये पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी. इफ लिमिट एस एग्जिस्ट वी से दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कॉल दिस लिमिट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज. इफ दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वी से दैट सीरीज इज डाइवर्जेंट. अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी. अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी. बाज़ुकात हम स्टूडेंट्स सीरीज को इन सिंबल से भी डिनोट करते हैं. ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, ठीक है. यहाँ पर सीरीज को बाज़ुकात आप इन सिंबल से भी डिनोट करते हैं. समेशन एक्स एन भी लिख सकते हैं, या आप कोई यहाँ पर समेशन डिफाइन कर दें, एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन लिख दें, या स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी. जो डिफरेंट आप वैल्यूज लेंगे इस तरीके से भी आप सीरीज को डिफाइन कर सकते हैं, इन सिंबल से भी आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. इट इज कन्वीनियंट टू यूज सिंबल सच एज समेशन एक्स एन और समेशन एक्स एन और summation n is equal to 1 to infinity xn. To denote both the infinite series s generated by the sequence x and also to denote the value limit of s in case this limit exists. Okay? Thus the symbols n2 may be regarded merely as a way of exhibiting an infinite series whose convergence or divergence is to be investigated. Okay? So, जब आप sequence सॉरी जब आप सीरीज की यानी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करेंगे तो उस रूप में स्टूडेंट्स ये सिंबल भी यूज करते हैं. तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, जस्ट एज अ सीक्वेंस मे बी इंडेक्स सच दैट इट्स फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट एक्स वन, ठीक है, बट इज एक्स नॉट और एक्स फाइव और एक्स 99, वी विल डिनोट द सीरीज हैविंग दीज नंबर्स as their first element by the symbols. जिस तरह स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज हम कहते हैं कि इस सीरीज की पहली टर्म x1 नहीं है या x0 नहीं है या x99 नहीं है, पहली टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये यानी n इज इक्वल टू टू से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो उस रूप में आप स्टूडेंट्स भी लिखेंगे x विच इज इक्वल टू x2, x3, x4 अप टू सो ऑन. अगर हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस x है ये n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट होती है, तो उस रूप में आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x5, ठीक है, x6 अप टू सो ऑन. इसी तरह जिस तरह आप इन सीक्वेंस के बारे में कह रहे हैं कि इसकी पहली टर्म आप, ठीक है, एक्स वन नहीं है या एक्स नॉट नहीं है या एक्स नाइनटी नाइन नहीं है, इसी तरह हम सीरीज के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है. अगर हम कहते हैं कि सीरीज की पहली टर्म एक्स वन नहीं है तो हम सीरीज को फिर किस तरह लिखते हैं, समेशन एन इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी लिख दें एक्स एन. अब ये सीरीज कौन सी बनेगी, ये बनेगी स्टूडेंट्स एक्स टू से स्टार्ट होगी, यानी इसकी पहली टर्म x1 नहीं होगी, x3 प्लस x4 अप टू सो ऑन, ठीक है. ये फिर आप इस तरह वो यही कह रहा है कि जिस तरह हम सीक्वेंस के बारे में कहते हैं कि अगर सीक्वेंस का पहला एलिमेंट x1 नहीं है या x0 नहीं है या x5 नहीं है या x90 नहीं है, तो इसी तरह हम सीरीज के बारे में भी कह सकते हैं इसका पहला एलिमेंट x1 नहीं है, x0 नहीं है, x5 नहीं है या n99 नहीं है, ठीक है. इट शुड बी नोटेड दैट व्हेन द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज xn देन द फर्स्ट पार्शियल सम इज आल्सो डिनोटेड बाय xn, ठीक है. हम देखें स्टूडेंट्स
हम सीरीज जो होगी वो हमेशा सीक्वेंस से ही डिनोट यानी जनरेट करते हैं। अगर ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट हो रही है, टू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, कॉमा लगा दें आप क्योंकि ये सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस में स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि इसमें कॉमा होते हैं, ठीक है, ये पहले टर्म होती है, ये सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म इस हिसाब से। अगर मैं कहता हूं कि ये सीक्वेंस सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट होती है यानी इसका पहला एलिमेंट ई एक्स टू है, तो इससे जो भी आप पार्शियल सम डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप एस वन डिफाइन करते हैं तो वो एक्स टू के इक्वल होगा, इसी तरह एस टू स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, एस वन प्लस एक्स टू के इक्वल होगा, ठीक है, इस तरह ये बाद में कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे ये टू लिखेंगे, सॉरी, जिस तरह ये सीक्वेंस जिस टर्म से शुरू हो रही है इसी तरह जो सीरीज होगी वो इसी टर्म से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पर एस टू से स्टार्ट होगी सीरीज, इसका पहले एलिमेंट एस टू होगा, इस तरह एस थ्री किसके इक्वल होगा, ये एस टू प्लस एक्स थ्री के इक्वल होगा, ठीक है, इसी तरह एस फोर किसके इक्वल होगा, एस थ्री प्लस एक्स फोर के इक्वल होगा, इस तरह तो सॉ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट वेन द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज एक्स एन देन द फर्स्ट पार्शियल सम इज डिनोटेड बाय एस एन, ठीक है। तो इसी तरह सीरीज की यानी फर्स्ट टर्म जिस नंबर से स्टार्ट होगी इसी तरह पार्शियल सम की वैल्यू भी उसी नंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वार्निंग, वो वार्निंग में ये बता रहे हैं कि आपने सीक्वेंस और सीरीज को यानी मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर जो सीरीज होगी स्टूडेंट्स हम उसे कैपिटल एस विच इज इक्वल टू स्मॉल एस के से रिमूव करेंगे, ठीक है, जो सीक्वेंस होगी उसे हम ये एक्स से रिमूव करेंगे। आप इन दोनों के बारे में ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सीरीज में हम स्टूडेंट्स इसमें पार्शियल सम यूज करते हैं, ठीक है, पार्शियल सम यूज करते हैं, इस पार्शियल सम को हम यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन, इसे आप स्टूडेंट्स एस कैपिटल एस का नाम भी दे सकते हैं, ये पार्शियल सम है। तो अगर आप सीक्वेंस डिफाइन करते हैं तो उसमें ये स्टूडेंट्स कॉमन होते हैं एक्स वन एक्स टू आपको सम, ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपने कन्फ्यूज नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था सीक्वेंस का और सीक्वेंस और सीरीज का। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल है, कंसीडर द सीक्वेंस एक्स विच इज इक्वल टू आर की पावर एन, वेयर एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, वेयर आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, विच जनरेट द ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है ये किस सीरीज को जनरेट कर रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज को। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट सीरीज को जनरेट करती है, कुछ सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीरीज को जनरेट करती हैं, कुछ, ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज को जनरेट करती है, डिफरेंट सीरीज होती है और डिफरेंट सीक्वेंस को जनरेट होती है। लेकिन यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ये इस सीक्वेंस से जनरेट हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमें सीक्वेंस गिवन है एक्स विच इज इक्वल टू आर की पावर एन, यहाँ पर जो n है वो वेरी कर रहा है जीरो टू इन्फिनिटी, तो इससे हमारे पास जो सीरीज जनरेट हो रही है वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज। इसने ज्योमेट्रिक सीरीज को स्टूडेंट्स रिमोट किया है सम, ठीक है, n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स एन की जगह स्टूडेंट्स वो आर एन है, यहाँ पर हम इसे दोबारा लिख लेते हैं समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी आर की पावर एन। अगर आप एन की वैल्यूज को वेरी करें तो पहले लिखेंगे आप आर जीरो, आर की पावर जीरो प्लस आर की पावर वन प्लस आर की पावर टू प्लस आर की पावर थ्री प्लस अप टू सेवन प्लस आर की पावर एन प्लस अप टू सेवन,
तो अगर आप आर की पावर जीरो देखें तो ये हमारे पास वन होती है। किसी भी नंबर की पावर जीरो वो हमेशा वन, टू की पावर जीरो लें वो भी वन आएगी, ठीक है। इस तरह आप आर की पावर जीरो लें वो भी वन आएगी, ये बन जाएगा वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सेवन प्लस आर की पावर एन प्लस अप टू सेवन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, जो कि इस सीक्वेंस से जनरेट हुई है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी वन ओवर वन माइनस आर को जब आर का मॉड लेस देन वन हो। जब हम आर का मॉड लेस देन वन लेते हैं तो उस सूरत में ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्ज करती है वन ओवर वन माइनस आर, ठीक है। वी विल शो दैट इफ आर का मॉड इज लेस देन वन देन दिस सीरीज कन्वर्जेस टू वन ओवर वन माइनस आर, ठीक है। यहां पर वो पहले एस एन ले रहे हैं, ठीक है, एनथ पार्शियल सम को ले रहे हैं, ये इनफिनाइट सीरीज है तो हम पहले इसका एनथ पार्शियल सम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स ये गिवन है एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी आर की पावर एन विच इज इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सेवन प्लस आर की पावर एन प्लस अप टू सेवन। हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि एस एन डिफाइन कर रहे हैं nth partial sum, nth partial sum किस टिक पर होगा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सेवन प्लस आर एन टिक पर होगा, ठीक है। ये nth partial sum है स्टूडेंट्स, हमारे पास nth partial sum, तो अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये सीरीज वन ओवर वन माइनस आर को कन्वर्ज करेगी जब आर का मॉड इज लेस देन वन होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें पहले एन एथ पार्शियल सम फाइंड करना होगा, ठीक है, इसकी पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम यहां पर ये प्रोसीजर यूज करेंगे कि अगर हम इस सीरीज, ये इनफिनाइट सीरीज है, अगर हम इस सीरीज की कन्वर्जेंट फाइंड करना चाहते हैं, कन्वर्जेंस, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अगर nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, अगर nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा इसका मतलब होगा कि सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। हम यहां पर ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए कि अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो पहले हमें पार्शियल सम को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अगर हम पार्शियल सम को कन्वर्जेंट प्रूव कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो ये हम यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज करें, क्योंकि बुक वालों ने यही कंसेप्ट यूज किया। देखिए यहाँ पर हम एस एन फाइंड करना चाहते हैं, एनथ पार्शियल सम फाइंड करना चाहते हैं, यानी इस पार्शियल सम को हम फाइंड करना चाहते हैं कि पार्शियल सम किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखें इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह लें, इस इक्वेशन को आप आर से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा आर एस एन विच इज इक्वल टू आर प्लस बन जाएगा आर स्क्वायर, इन इक्वेशन वन को आर से मल्टीप्लाई करें, जब वन को आप आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आर बनता है, ये फिर आर स्क्वायर बन जाता है, फिर ये इस तरह आर क्यूब, ठीक है, प्लस अप टू सॉन प्लस आर एन प्लस वन बन जाता है, ठीक है। फिर इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह लें,
नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि इक्वेशन वन में से इक्वेशन नंबर टू को माइनस कर दें, यानी एस एन माइनस आर एस एन आप ये फाइंड करें, तो ये बनता है वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सोन प्लस आर एन, ठीक है, माइनस हम कर रहे हैं आर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब माइनस अप टू सोन माइनस आर की पावर एन माइनस आर की पावर एन प्लस वन। देखें ये फिर आर से ये आर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक है, आर एन से आर एन कैंसिल, तो सिंपली हमारे पास आता है वन माइनस आर की पावर एन प्लस वन। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है एस एन माइनस एस एन आर एस एन, ठीक है, यहाँ पर आर डाल लेते हैं, इक्वल आ चुका है वन माइनस आर की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ से आप एस एन कॉमन ले लें क्योंकि हमने एस एन ही फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा कॉमन लें, हाँ इधर लिख लेते हैं एस एन कॉमन लें तो ये हमारे पास आता है वन माइनस आर इक्वल टू वन माइनस आर की पावर एन प्लस वन, ठीक है। फिर आप क्या करें कि वन माइनस आर को इस पर भी डिवाइड कर दें और इस पर भी डिवाइड कर दें, एस एन बन जाएगा वन ओवर वन माइनस आर की पावर एन प्लस वन ओवर वन माइनस आर, ठीक है। फिर इस टर्म को इधर ले आए, ये बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है एस एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर विच इज इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन ओवर वन माइनस आर, ठीक है। फिर आप क्या करें यहाँ पर मॉड अप्लाई करें, यहाँ पर भी मॉड यहाँ पर भी मॉड, तो फिर ये लेस देन यानी आर की पावर एन प्लस वन ओवर वन माइनस आर इसका मॉड, ये लेस देन इक्वल देन हो जाएगा आर का मॉड की पावर एन प्लस वन ओवर वन माइनस आर का मॉड। तो कह रहा है कि आर का मॉड प्लस आर का मॉड, ठीक है, इसकी पावर एन प्लस वन ये अप्रोचेस करेगा जीरो को व्हेन आर का मॉड इज लेस देन वन। कह रहा है कि जब आर का मॉड लेस देन वन होगा तो दिस इंप्लाइज आर की मॉड की पावर एन प्लस वन ये अप्रोच करेगा जीरो को। जब ये जीरो को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जीरो ओवर समथिंग ये टोटल वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये लेस देन इक्वल देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे इक्वल भी कह सकते हैं, यानी हमारे पास हासिल होगा एस एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर मॉड इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एस एन माइनस वन ओवर वन माइनस आर विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एस एन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स वन ओवर वन माइनस आर, ये हमारे पास लिमिट आ गई है, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पर एन इन्वॉल्व नहीं है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं एस एन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ चुका है वन ओवर वन माइनस आर। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर एन इन्वॉल्व नहीं है, इसकी लिमिट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी वन ओवर वन माइनस आर आएगी, ये हमारे पास लिमिट आ चुकी है। देखें पार्शियल सम हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। पार्शियल सम क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, यहां पर हम यही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो जो भी इस पार्शियल सम की लिमिट होगी वही सीरीज की लिमिट होगी, ये भी आप नहीं आ सकते। इस
सीरीज की हमारे पास लिमिट क्यों होगी, ये होगी 1/1 r, ये हमारे पास इसकी लिमिट है। ठीक है, जब आप ज्योमेट्रिक सीरीज को मजीद स्टडी करेंगे नेट से, इसमें देखेंगे कि इसकी लिमिट ही हमारे पास यही आती है 1 - 1/r, जब r का मोर लेस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीरीज है वो इस सीक्वेंस से जनरेट हुई है और ये हमें गिवन है। ठीक है, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है एक्स विच इज इक्वल टू -1 की पावर n, यहाँ पर जो n है वो वेरी कर रहा है 0 to infinity। ठीक है, ये हमारे पास है, इससे हम सीरीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप n की डिफरेंट वैल्यूज वेरी करते हैं तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity -1 की पावर n, ये किसकी इक्वल आता है, जब आप n 0 रखते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यानी -1 की पावर 0, ये हमारे पास 1, तो जब आप 1 रखते हैं तो सूरत में ये -1 आता है, फिर आप जब 2 रखते हैं स्टूडेंट्स तो उस सूरत में हमारे पास ये +1 आता है। ठीक है, यानी पहले हम इसका सम निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर हम इससे वो सीरीज जनरेट करते हैं, यानी हमें सीक्वेंस गिवन है एक्स विच इज इक्वल टू -1 की पावर n, वेयर n इज वेरी फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 to infinity। अगर आप इस वैसे सीक्वेंस को फाइंड कर लेते हैं तो जब आप n 0 पुट करेंगे ये 1 आएगा, जब n 1 पुट करेंगे तो ये -1 आएगा, जब n 2 पुट करेंगे ये फिर अगेन +1 आ जाएगा, फिर ये -1, ये +1, इस तरह आपको सुन, ये स्टूडेंट्स हमारे पास के सीक्वेंस है। सीक्वेंस अगर आप समेशन डाल लेते हैं, वैसे समेशन n इज इक्वल टू 0 to infinity एक्स एन, समेशन इसका क्या आता है, ये आता है 1 + -1 + 1 + -1 + -1 + -1, ये स्टूडेंट इस तरह चलता जाता है। तो अगर हम इससे वो सीरीज जनरेट करते हैं, इस सीरीज कौन सी जनरेट होगी स्टूडेंट्स, सीरीज इससे जो सीरीज होगी वो हम जनरेट भी कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे जो कैपिटल एस है वो किसकी इक्वल होता है, स्मॉल एस के। ठीक है, यहाँ पर ये हम जनरेट कर लेते हैं कि एस वन की वैल्यू क्या आएगी, एस वन की स्टूडेंट्स वैल्यू क्या आएगी, ये 1 आएगी, क्योंकि एक्स 1 की इक्वल होता है, ये हमारे पास 1। एस टू किसकी इक्वल होगा, ये एस 1 प्लस एक्स 2 की इक्वल होगा, ये आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास 1 आ चुका है, S1 1, और एक्स 2 क्या है, ये एक्स 2 है, ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, ये एक्स 3 है, ये एक्स 4 है, ये एक्स 5 है, साथ साथ एक्स 2 देखें -1 है, ये बन जाएगा 0। इस तरह एस 3 अगर आप डिफाइन कर लें, ये बन जाएगा S2 + X3, तो S2 हमारे पास 0 है, देखें 0 आ रहा है, X3 देखें, ये हमारे पास अगेन 1 है, 0 + 1, ये बन जाएगा 1। इस तरह S4 हमारे पास स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, इक्वल S3 + X4, ये अगेन स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 - 1, ये बन जाएगा 0। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये सीरीज जनरेट होगी, सीरीज एस, वो इक्वल होगी 1 0 1 0 1 0, ये हमारे पास सीरीज जनरेट होगी। ठीक है, 1 0, इस तरह की ये सीरीज हमारे पास जनरेट होगी, वो लिखता है। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखें
एस हमारे पास किस इक्वल हो रहा है, यार है 1 0 1 0 अप टू 100। वो कह रहा है कि आप बाय मैथमेटिकल डिडक्शन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एस एन ये इक्वल है 1 की, एस एन इक्वल है 1 की, ये हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए एस 1 ये 1 है, ये भी बात ठीक है। सपोज कर लें कि ये किसी एन के लिए भी ट्रू है, देन ये एस एन प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो एस एन प्लस 1 देखें हमारे पास एक्स के किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एस के माइनस 1 प्लस एक्स के। तो अगर आप एस के प्लस 1 फाइंड करते हैं तो एस के प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा एस के माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स के प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा एस के प्लस 1 विच इज इक्वल टू एस के प्लस एस के प्लस 1। इसे आप लिख सकते हैं कि एस एन प्लस 1 विच इज इक्वल टू एस एन प्लस एक्स एन प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें 1 और एक्स एन प्लस 1 ये 0 आ जाएगा, तो ये फिर हमारे पास वैसे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए, ये चीज आप प्रूव कर सकते हैं। पहले आप एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, वो फिर ये इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ठीक है, ये तो हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1 0 1 ये कैसा है, ये पार्शियल सम है। दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, द सीरीज 4 इज डाइवर्जेंट। तो अगर आप स्टूडेंट्स इस पार्शियल सम को यानी ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास पार्शियल सम है 1 0 1 0 1 0 अब जो सम। अब ये जो हमारे पास ये पार्शियल सम की सीक्वेंस है, यानी ये एस 1 एस 2 एस 3 अप टू 100, ये हमारे पास सीक्वेंस है पार्शियल सम की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है, इसकी कोई वैल्यू भी लिमिट नहीं हो सकती। तो अगर पार्शियल सम ये डाइवर्जेंट है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। हम यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज करें कि अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर पार्शियल सम ही कन्वर्जेंट नहीं है तो वो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है स्टूडेंट्स ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो पार्शियल सम की सीक्वेंस हमारे पास बनी है 1 0 1 0, ये अभी मैंने आपको बताया, बना के दिखाई है। तो ये सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज नंबर 4 इज डाइवर्जेंट। अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं है या पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब होगा कि वो सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सी, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 ओवर n इनटू n प्लस 1, ठीक है, ये हमें गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1 ओवर n इनटू n प्लस 1, ये हमें गिवन है। इसकी हमने चेक करनी है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, ठीक है। इसे अगर आप ओपन करें, n इज इक्वल टू 1 हो ये 2 बन जाएगा, ये 1 इंटू 2, ठीक है, 1.2 ये उसमें लिखा है, फिर 1/2.3 यानी जब यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, ये बन जाएगा 1/2.3 प्लस लगा देंगे क्योंकि ये समेशन का साइन है, इस तरह टू सा। तो अगर आप स्टूडेंट्स देखते हैं तो 1/k इंटू के प्लस 1 ये 1/k माइनस 1/k प्लस 1 के इक्वल होते हैं, यानी वो क्या कह रहा है कि 1/k इंटू के प्लस 1 ये इक्वल होता है 1/k
के माइनस वन ओवर के प्लस वन। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो देखें ये बन जाएगा के इंटू के प्लस वन, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर के है तो यहाँ पर बन जाएगा के प्लस वन, यहाँ पर के प्लस वन है तो यहाँ पर बन जाएगा के, तो के से के कैंसिल, वैसे ये बन जाएगा वन ओवर के इंटू के प्लस वन। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम वन ओवर के इंटू के प्लस वन को वन ओवर के माइनस वन ओवर के प्लस वन लिख सकते हैं। तो अगर कह रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट्स ऐड करें फ्रॉम k इज इक्वल टू वन टू n, देन वी हैव एस एन। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स एस एन निकालना, एस एन हमने फाइंड करना। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि यहां पर जो वन ओवर k इंटू के प्लस वन है, ठीक है, k प्लस वन है ना, हाँ k प्लस वन ओवर के इंटू के प्लस वन इक्वल है वन ओवर के माइनस वन ओवर के प्लस वन। ठीक है, वो कह रहा है कि के इज इक्वल टू वन टू एन वेरी करें, के इज इक्वल टू वन टू एन हम वेरी करें फिर इनको ऐड करें। ठीक है, देखें यानी इसे आप एस एन का नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो वही प्रीवियस प्रोसीजर है यानी आप k इज इक्वल टू वन टू एन वेरी कर रहे हैं, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वन ओवर वन माइनस वन ओवर वन प्लस वन। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स फिर ये बन जाएगा यानी k इज इक्वल टू वन, फिर टू के लिए आप देखें ये बनता है टू के लिए वन ओवर टू। ठीक है, पहले हम k इज इक्वल टू वन के लिए ये आ जाएगा, फिर प्लस डालेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन ओवर टू, फिर बन जाएगा माइनस वन ओवर थ्री, यानी इधर रखें आप टू, टू प्लस वन थ्री, इस तरह आप तो सोन ये तो चलता जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए ये वन ओवर वन प्लस वन, ये टू से टू कैंसिल, फिर थ्री से थ्री कैंसिल, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा वन ओवर वन माइनस वन ओवर के प्लस वन या एन प्लस वन, एन प्लस वन ये हमारे पास। ठीक है, लास्ट में हमारे पास यही आता है यानी जब आप वन ओवर के एन टू के प्लस वन विच इज इक्वल टू वन ओवर के माइनस वन ओवर के प्लस वन, जब आप के इज इक्वल टू वन टू एन वेरी करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एस एन आता है वो हमारे पास आता है वन ओवर वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन, ये हमारे पास आता है। ठीक है, ये हमारे पास एस एन आता है। इस पर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन, ये हमारे पास आ जाएगा वन तो वैसे रहेगा, इस पर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो ये वन और ये टोटल जीरो आती है, इसकी लिमिट क्या आती है जीरो, ये हमारे पास क्या बनता है वन। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी एस एन, देखिए पार्शियल सम की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये सीरीज है ये भी क्या होगी कन्वर्जेंट। ठीक है, therefore the series 5 is convergent to 1, ये convergent होगी और ये 1 को ही converge करेगी। ये example थे, example number B और C। next देखते हैं students हमारे पास क्या है, n term test। ठीक है, हम next देखते हैं n term test, इसकी statement क्या है कि if the series summation x n converges then limit of x n which is equal to 0। ठीक है, हम अभी स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि हमारे पास एस के किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है एस के माइनस वन प्लस
एक्स के, या आप लिख सकते हैं कि एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन माइनस वन प्लस एक्स एन। तो यहां से आप एक्स एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से एक्स एन हमारे पास होगा यहां से एक्स एन, ठीक है, ये एक्स एन एस एन माइनस वन की होगा, ये आप देख सकते हैं एक्स एन किसके इक्वल होगा। यानी बाय डेफिनेशन 3.71 द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन एक्स एन रिक्वायर्स दैट लिमिट ऑफ एक्स के एग्जिस्ट। ठीक है, अगर पार्शियल सम की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। यहाँ पर हम यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, सिंस एक्स एन विच इज इक्वल टू एस एन माइनस वन, देन लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एस एन माइनस लिमिट ऑफ एस एन माइनस वन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल नंबर सी को देखें स्टूडेंट, उस सूरत में हमारे पास लिमिट ऑफ एस एन क्या आ रही है, वन आ रही है। इस तरह लिमिट ऑफ एस एन माइनस वन भी क्या आएगी, वन आएगी, ये हमारे पास जीरो बनता है। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखे हैं वी नो प्रेजेंट आर वेरी यूजफुल एंड सिंपल नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज, इट इज फॉर फ्रॉम बीइंग सफिशियंट हाउएवर। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये एनर टर्म टेस्ट के बारे में बताया है। सिंस द फॉलोइंग काशी क्राइटेरिया इज प्रिसाइसली अ रिफॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरम 3.55, वी विल ओमिट दिस प्रूफ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज। ठीक है, जिस तरह काशी क्राइटेरिया फॉर सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, इस तरह काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज है। अभी हम nth टर्म टेस्ट के बारे में भी पढ़ते हैं कि हम nth टर्म टेस्ट कब यूज करते हैं। ये हम हमेशा सीरीज की डाइवर्जेंस के लिए यूज करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, ये हम उसके लिए खासतौर यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करते हैं, पहले उससे पहले हम ये काशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज इसको स्टडी कर लेते हैं। द सीरीज समेशन एक्स एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट m of epsilon belongs to n such that m is greater than n is greater than m of epsilon, then s m minus s n ka mod is less than epsilon। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस रूप में स्टूडेंट्स इसके दो पार्शियल सम यानी एग्जिस्ट करती है, एक एस एम और एक एस एन। इसमें जो m है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन इक्वल देन n, n इज ग्रेटर देन इक्वल देन m ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, आप जो भी एप्सिलॉन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास एक m आप चूज करेंगे। अगर आप m और n ग्रेटर देन लेते हैं m ऑफ एप्सिलॉन, देन एस एम माइनस एस एन का मॉड ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। ये हमारे पास क्या है, काशी क्राइटेरिया फॉर सीरीज है। यानी हम दो ऐसे पार्शियल सम फाइंड करेंगे एस एम और एस एन जिनका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम ये चीज प्रूव कर लेंगे तो उस रूप में हम ये कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट। ये प्रॉपर क्राइटेरिया है चेक करने के लिए सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। हम बेसिक ये nth टर्म टेस्ट को पढ़ लेते हैं। पहले आप अगर आप सीरीज की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को चेक करना चाहते हैं तो बेसिक आप यही अप्लाई करते हैं nth टर्म टेस्ट, उसके बाद बाकी आप टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो इसके बारे में अभी देख लेते हैं, व्हाट इज nth टर्म टेस्ट। द nth टर्म टेस्ट हेल्प अस प्रिडिक्ट वेदर आर गिवन सीक्वेंस आर सीरीज इज डाइवर्जेंट आर कन्वर्जेंट। वैसे स्टूडेंट्स इसे आप सीरीज की डाइवर्जेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, खासकर हम सीरीज की डाइवर्जेंट के लिए यूज करते हैं, सीरीज या सीक्वेंस की, सीक्वेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सीरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं इस क्राइटेरिया को एंड अ टर्म टेस्ट। वी मेक यूज ऑफ द सीक्वेंस nth टर्म टू डिटरमाइन इट्स नेचर हेंस इट्स नेम। ठीक है, हम सीरीज या सीक्वेंस की डाइवर्जेंट को चेक करने के लिए जब nth टर्म टेस्ट अप्लाई करते हैं तो शुरू में हम
यानी फोकस करते हैं किस पर, nth टर्म पर, ठीक है, उसकी nth टर्म पर फोकस करते हैं। इसी वजह से इसका नाम ही nth टर्म टेस्ट है, ठीक है। सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है, जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट। अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे तो वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। इसी तरह सीरीज के बारे में भी हम यही कहते हैं कि अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर सीरीज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो वो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इन डेफिनेशंस को भी आप स्टडी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप nth टर्म टेस्ट यूज करेंगे तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप उस सीक्वेंस या सीरीज की nth टर्म फाइंड करेंगे, यानी an फाइंड करेंगे। an क्या होगा स्टूडेंट्स, ये उसकी nth टर्म है। पहला काम आप ये करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप स्टूडेंट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन फाइंड करें। पहले आप nth टर्म फाइंड करेंगे, फिर आप लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन फाइंड करेंगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन विल डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस आर सीरीज इज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट। यही, यानी यही चीज प्रिडिक्ट करेगी या यही चीज डिटरमाइन करेगी कि जो सीरीज या सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, सीरीज और सीक्वेंस। तो ये हम सीक्वेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सीरीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही वैल्यू ही हमारे पास क्या होगी, फाइनल होगा, रिजल्ट होगा उस सीरीज के बारे में या सीक्वेंस के बारे में कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वॉट इज द nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये हम स्टूडेंट्स खासकर डाइवर्जेंस के लिए चेक करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। हम कन्वर्जेंस के लिए चेक नहीं करते, कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम बाकी यानी रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। कंपेरिजन टेस्ट हो गया, पी सीरीज हो गई या पी टेस्ट हो गया, ये हम डिफरेंट टेस्ट बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे वो हम कन्वर्जेंस के लिए यूज करेंगे। nth टर्म टेस्ट है ये हम खासकर डाइवर्जेंस के लिए चेक करें। अगर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी ए एन, यानी अगर इस ए एन की लिमिट इक्वल टू जीरो नहीं आती, ठीक है, इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इस nth टर्म की यानी लिमिट जीरो नहीं आती तो उस रूप में ये जो सीरीज होगी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। अगर जीरो आ जाती है लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन, अगर ये लिमिट जीरो आ जाती है तो ये जो केस होगा स्टूडेंट्स, ये केस हमारे पास क्या होगा, इनकन्फर्म केस नहीं होगा, इनक्लूसिव, ठीक है, इनक्लूसिव, ये हमारे पास इनक्लूसिव केस होगा, ठीक है। यानी अगर ये लिमिट ए एन हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो ये क्या होगा, इनक्लूसिव केस होगा। तो उस रूप में हम बाकी टेस्ट को चेक करेंगे, जिस तरह कंपेरिजन टेस्ट है, कंपेरिजन टेस्ट, इस तरह बाकी भी टेस्ट हैं स्टूडेंट्स, वो हम उनको यूज करते हुए, यानी एडवांस जो टेस्ट हैं उनको यूज करते हुए हम उस सीरीज के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। यानी ये कंफर्मिंग केस नहीं है, ये जो हमारे पास है nth टर्म टेस्ट है, ये सबसे बेसिक टेस्ट है, nth टर्म टेस्ट ये सबसे क्या है, बेसिक टेस्ट है, ये हमारे पास क्या होता है, ये एडवांस टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम खासतर डाइवर्जेंस के लिए चेक कर लें। अगर लिमिट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो जहरी बात है कि वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर
पहले हम सीक्वेंस की डाइवर्जेंस को चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग एनाथर्म टेस्ट। ठीक है, हम स्टूडेंट्स प्रीवियस सेक्शंस में, ठीक है, या प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि अगर किसी सीक्वेंस की कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस वन है, ठीक है, अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं किसी भी सीक्वेंस का, तो अगर वो वन आता है तो वो जहरी बात है कि वो सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। लेकिन हम यहाँ पर तो nth टर्म टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, nth टर्म टेस्ट, इसके जरिए हम ये फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसकी टर्म्स का डिफरेंस क्या आता है। 7-3 देखें, ये हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरह 11-7 ये भी 4 आ रहा है। इस तरह 15-11 ये भी 4 आ रहा है। ये यानी हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। जो हमारे पास ये सीक्वेंस है इसकी हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब आप इस सीक्वेंस को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आता है तो वो हमारे पास सीक्वेंस क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। तो ये स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले जो बेसिक डेफिनेशंस हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, इस तरह की जितनी भी सीक्वेंस हैं, सीरीज हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कौन सी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो उस रूप में स्टूडेंट्स आप ए एन यानी इसकी एन टर्म कैसे निकालते हैं, एन एफ यानी ए एन आप किस तरह निकालते हैं, ये आप निकालते हैं 1+ यानी ए 1 यानी इसकी पहली टर्म आती है, यानी ए एन स्टूडेंट्स किसकी इक्वल होता है, ए 1+(n-1) बी। बी तो हम स्टूडेंट्स वो फाइंड कर चुके हैं, बी आप देख चुके हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है, एनथ टर्म का फॉर्मूला है, एनथ टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, सॉरी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये उसका एनथ टर्म का फॉर्मूला है। तो डिफरेंट सीक्वेंस की डिफरेंट एनथ टर्म का फॉर्मूलाज है, वो आपने देख लेने हैं बेसिक फॉर्मूलाज। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो हम ले रहे हैं अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस ले रहे हैं, ये उसकी nth टर्म का फॉर्मूला ए एन। और इसकी पहली टर्म स्टूडेंट्स क्या है, 3 है, यानी 3 उसकी क्या है, पहली टर्म है ए 1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज वो 1 है, प्लस n-1 बी हमारे क्या है, 4 है। तो ये हमारे पास ए एन बन जाएगा 3+4n-4, ए एन बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3-4+4n, ए एन बन जाएगा हमारे पास 4n-1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे आप, इसकी लिमिट हमारे पास ये जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये जो टर्म होगी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है। हमने यही रिजल्ट पढ़ा है स्टूडेंट्स डाइवर्जेंस का, कि अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस सीक्वेंस या सीरीज, सीक्वेंस आर सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये लिमिट ऑफ ए एन है, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, जो सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या, डाइवर्जेंट। इस तरह आप स्टूडेंट्स nth टर्म में जो टेस्ट है आप ये अप्लाई करते हैं, ये बेसिक टेस्ट है। ये आप यानी खासकर
डाइवर्जेंस के लिए यूज कर सकते हैं, कन्वर्जेंस के लिए यूज आप नहीं कर सकते। कन्वर्जेंस के लिए हम बाकी टेस्ट को देखेंगे, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हमने इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर ये हमें इसकी एन टर्म गिवन है। ठीक है, ये हमें एन टर्म गिवन है, तो आप सिंपल इसे सॉल्व करें, यानी हमारे पास गिवन है ए एन एन प्लस फोर ओवर फाइव एन माइनस वन, यानी ए एन हमें गिवन है एन प्लस फोर ओवर फाइव एन माइनस वन, ये हमें एन टर्म गिवन है उसकी। सिंपल आप लिमिट अप्लाई करें, इसे आप मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी एन अगर आप कॉमन लें तो ये बनता है वन प्लस फोर ओवर एन, और बन जाएगा स्टूडेंट्स एन कॉमन लें तो ये बनता है फाइव माइनस वन ओवर एन। तो यहां से ये एन कैंसिल, तो ए एन आप लिख सकते हैं सिंपल वन प्लस फोर ओवर एन ओवर फाइव माइनस वन ओवर एन, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन, ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है वन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी फोर ओवर एन ओवर फाइव माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी वन ओवर एन, तो ये बन जाएगा वन प्लस जीरो, ये आपको पता है जीरो इसकी लिमिट आती है, तो फाइव माइनस जीरो, ये स्टूडेंट बन जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन, ये हमारे पास बन जाएगा वन ओवर फाइव, तो के नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज ये हमारे पास सीरीज है एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एन प्लस फोर ओवर फाइव एन माइनस वन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बाय यूजिंग nth टर्म टेस्ट, nth टर्म टेस्ट। ये बेसिक टेस्ट है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कि सो द सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये सीरीज हमारे पास की डाइवर्जेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखो लाइक और शेयर।